कोरोना का देखा बाजारों में असर, रक्षाबंधन के चलते सजी राखी की दुकानें, प्रचार प्रसार के अभाव में फीका लग रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। जो लोग बाजार में पहुंच रहे हैं वो भी कर रहे हैं चाइना की राखियों का बहिष्कार। 3 अगस्त को जिले में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना है, जिसको लेकर दुकानें भी लग गई है। जहां सेंधवा में पहले 30 से 35 दुकानें लगाई जाती थी, वहीं इस बार सिर्फ 5 से 6 दुकानें नजर आ रही हैं। यही हाल जिला मुख्यालय का भी नजर आया। कुछ एक दुकानें लगी हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में वो भी सूनी नजर आ रही है। दुकानदार प्रशासन से परमिशन के बाद दिशा निर्देशों का पालन कर दुकानें संचालित कर रहे हैं। वहीं आवाजाही कम होने को लेकर चिंतित भी नजर आ रहे हैं। वहीं जो कुछ एक ग्राहक दुकानों पर जा रहे हैं, वो भी चाइना को छोड़ स्वदेशी राखियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्या नाम है? सोनू तोमर। क्या लेना है? हम राखी लेने आए हैं। क्या देखा तुम्हारे? मार्केट में हमने चाइना की राखी नहीं है, और चाइना की राखी का हम बहिष्कार कर रहे हैं, स्वदेशी राखी खरीदेंगे। राखी कब है और आपको लेना है? हम पूनम की राखी है, इसलिए हम आज राखी लेने आए हैं। मतलब कहा जाए तो इस बार कोरोना के कारण रक्षाबंधन का त्योहार पूरी तरह फीका दिखाई दे रहा है, जबकि 3 अगस्त को रक्षाबंधन है और निमाड में रक्षाबंधन का अपना महत्व है। 27 तारीख से लगाना हमने प्रारंभ करा, एचडी मैडम से परमिशन लेने के बाद 14 जो स्थानीय व्यापारी थे उनको अनुमति प्राप्त हुई है। वो पूरे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे उसका पालन करके दुकानें संचालित की जा रही है। लेकिन इसका ये प्रथम वर्ष है इस जगह पर राखी का, इस कारण से ग्राहकों को पता नहीं है कि कहाँ से राखी खरीदना है या दुकानें कहाँ लगी है। प्रचार प्रसार का अभाव के कारण ग्राहकी ऐसे भी नहीं आ पा रहे। चाइना राखी तो एक भी राखियाँ नहीं है, क्योंकि पहले चाइना का जो मोती आता था उसके ऊपर जो राखी निर्माण होता था वो हम लेकर के विक्रय करते थे बड़े व्यापारियों से, पर इस बार लॉकडाउन के कारण माल ऑनलाइन आया है और ऑनलाइन ही सब इसका सब वो करा है, तो चाइना का माल तो बिल्कुल भी पूरे मार्केट में नहीं है। और हमारे सारे व्यापारियों ने चाइना का विरोध किया था माल का, और चाइना की कोई भी राखी नहीं और किसी प्रकार से कोई विक्रय भी नहीं हो रहा उसका।